वेलकम टू कैरियस पार्क। 69 शिक्षक भर्ती में पूर्णांक प्राप्तांक से मैट में क्या बदलाव आएगा? 68,500 शिक्षक भर्ती हाई कोर्ट पहुंचा मामला और एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती परीक्षा किस प्रकार से होगी, जानेंगे सभी कुछ। और रेलवे ने रोके नए पदों पर भर्ती, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में सफल अभ्यर्थियों को कोर्ट ने आवेदन में संशोधन का मौका दे दिया है। जिन परीक्षार्थियों ने अपने पिता का नाम, जन्म तिथि, नाम या जिन्होंने अंकों में चेंजेस हो गए थे, उनको परिवर्तन की मांग कर रहे थे, क्योंकि उनके अनुसार साइबर कैफे की गलती से ये उनकी मिस्टेक्स हुई है, इसलिए उनको दोबारा से अपनी गलती सुधारने का मौका मिले और हाई कोर्ट ने उनको यह राहत दे दी है। लेकिन इसके बाद बहुत सी समस्याएं फिर से जन्म लेने वाली हैं, क्योंकि यदि इन अभ्यर्थियों को संशोधन का मौका मिल गया तो बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से जारी मेरिट लिस्ट बदल जाएगी। मेरिट बदलने पर बहुत से सफल अभ्यर्थी बाहर हो जाएंगे और जो बाहर है अभ्यर्थी वो अंदर हो जाएंगे, क्योंकि ऐसे बहुत से अभ्यर्थी हैं जिनसे ये मिस्टेक हुई है और कुछ स्टूडेंट हाई मेरिट के हैं वो अंदर आ जाएंगे और कुछ स्टूडेंट जो बाउंड्री लाइन पर हैं वो बाहर निकल सकते हैं, जिसके कारण भर्ती फिर से विवादित होने की पूरी आशंका है। इसमें बहुत से स्टूडेंट BTC के हैं जिन्होंने रिजल्ट आने से पूर्व ही अनुमानित अंक भर दिया था कि परिणाम आने पर फिर से अपने ये अंक सही करा लेंगे, जिस कारण से बहुत से अभ्यर्थियों के मन में शंकाएं हैं कि मेरिट में क्या बदलाव आएगा और इसके बाद किस प्रकार से भर्ती कंप्लीट होगी। 68,500 शिक्षक भर्ती फिर हाईकोर्ट पहुंचा जिला आवंटन विवाद और इसकी जो सुनवाई होगी वह जुलाई में होगी। जिला आवंटन को लेकर एकल पीठ के आदेश का पालन करने के लिए कुछ अभ्यर्थियों ने अवमानना याचिका भी दाखिल की है। याचिकाकर्ता के वकील सीमान सह के अनुसार कहा गया है कि 3 महीने में याचिकाकर्ता से प्रतिवेदन लेकर NRC अभ्यर्थियों की वरीयता पर विचार करते हुए जिले का आवंटन करने का निर्देश दिया। यह समय बीत गया है लेकिन बेसिक शिक्षा परिषद ने कुछ नहीं किया है, जबकि 1 अप्रैल से नया सत्र शुरू हो चुका है और याचिका पर 7 जुलाई को सुनवाई होगी। जान लेते हैं पूरा मामला। 68,500 शिक्षक भर्ती में जिनकी मेरिट हाई थी उनको दूर के जिले में नियुक्ति मिली थी, जो और जिनकी मेरिट कम थी उनको अपना होम डिस्ट्रिक्ट मिली थी, जिसी कारण अभ्यर्थियों ने इसको चुनौती दी थी और अब इसकी सुनवाई जुलाई में होनी है। अब जान लेते हैं एडेड विद्यालय के बारे में। एडेड विद्यालयों पे जो अब भर्तियां होंगी अब वह लिखित परीक्षा के द्वारा, उसमें प्रधान अध्यापक और सहायक अध्यापक पदों के लिए लिखित परीक्षा की जाएगी, लेकिन इससे पूर्व जो भर्ती होती थी वह इंटरव्यू के आधार पर होती थी। लेकिन अभी पाठ्यक्रम और परीक्षा फॉर्मेट तय नहीं हुआ है कि पाठ्यक्रम में किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, अतिलघु आएंगे या ऑब्जेक्टिव आएंगे। जिस तरह चयन बोर्ड एडेड माध्यमिक विद्यालयों में अपनाता है, ज्ञात हो कि स्कूल में जिस विषय का पद खाली होगा उसके अध्याचन के अनुरूप ही रिजल्ट बनेगा। परीक्षा नियामक प्राधिकारी सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी का कहना है कि अब शासन ने तय किया है कि अब उसी के अनुसार परीक्षा कराई जाएगी। प्रदेश में 3,000 से अधिक एडेड जूनियर हाई स्कूलों के लिए शिक्षक चयन की तैयारी है। पहली बार स्कूलों प्रधानाध्यापक और सहायक अध्यापक के लिए परीक्षा कराई जाएंगी। इससे पूर्व शिक्षक भर्ती होती थी एडेड विद्यालयों में साक्षात्कार के अनुसार होती थी, जिससे चयन में जमकर गड़बड़ियां होती थीं। योगी सरकार ने 2019 में अध्यापक भर्ती नियमावली 1978 में संशोधन कर दिया है। इसके तहत शिक्षक चयन की लिखित परीक्षा राज्य स्तर पर होगी। शिक्षक भर्ती लिखित परीक्षा होगी और उसके बाद गुणांक के आधार पर मेरिट बनेगी और उसके बाद चयन होगा। 3,082 स्कूलों में 24,000 शिक्षकों के पद सृजित हैं और करीब 4,300 पद रिक्त हैं। इन सारे पदों का ब्यौरा सरकार पहले ही मांग चुकी है। तो आगे जो भर्ती होंगी वह लिखित परीक्षा और मेरिट के हिसाब से होंगी। नेक्स्ट, रेलवे ने रोकी है नए पदों पर भर्ती। रेलवे ने कहा है कि फिलहाल अभी कोई भर्ती नहीं होगी। इस साल कोरोना वायरस संक्रमण के कारण अपनी आय में भारी कमी आई है, जिसके चलते भारतीय रेलवे को खर्च कटौती में कुछ कठोर नियम अपनाने पड़ रहे हैं और इसी कारण इस साल वह कोई भी भर्ती नहीं कर पाएगी।
आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें जिससे नोटिफिकेशन मिलती रहे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।